फ्री के नाइट्रोजन की खाद में फ्री का पोटेशियम मिला देंगे तो पौधे की ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी से होने लगेगी। चाहे पारिजात हो चाहे कोई भी प्लांट हो, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। क्या आपके भी पारिजात के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर कलियां बनती हैं और इस तरीके से येलो होकर गिर जाती हैं, या फिर पौधा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो आज मैं आपको ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर पर ही सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी, पौधा फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। चांदनी, मोगरा, हिबिस्कस सभी को पसंद होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वास्तु की दृष्टि से हमको अपने घर पे या बगीचे पे लगाना चाहिए। उन्हीं पौधों में से एक पौधा है पारिजात का प्लांट। पारिजात के प्लांट की जो वैरायटी रहती है कई सारी रहती है, ड्वार्फ वैरायटी की रहती है, लॉन्ग वैरायटी की रहती है। मेरा प्लांट जो है काफी लॉन्ग वैरायटी का है क्योंकि मैंने इसको कटिंग से लगाया है। कटिंग से लगाए हुए प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और मैं इसको रोड साइड से लाई थी। हमारे यहाँ पर हर जगह पर रोड साइड पर या किसी के गेट के बाहर आपको पारिजात का प्लांट जरूर ही मिल जाएगा क्योंकि ये वास्तु की दृष्टि से काफी शुभ माना जाता है। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है उसके बाद में फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी, अगर ये फर्टिलाइजर आप अपने पौधे में देंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। वैसे तो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, सीजनल फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन कुछ चीजों का हमको हर पौधे पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसकी खाद वगैरह। अगर पौधे में एनर्जी होगी, पौधे में ताकत होगी, तभी पौधा हमारा फ्लावरिंग करेगा। जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो या तो वो मैच्योर होता है, मतलब काफी अच्छी थिक ब्रांच होती है। अगर थिक ब्रांच नीचे से उसका ट्रंक जो है एकदम थिक है तो समझिए मैच्योर है, और अगर वो मैच्योर नहीं है, मतलब की पौधा आपका पुराना नहीं है, उसकी एज अच्छी नहीं है, तो प्लांट जो है फ्लावरिंग करने में टाइम लगाता है। तो आप पौधा जब भी लाएं तो नीचे की ब्रांच आप देख कर लाएं। पौधा जितना अच्छा नीचे से हेल्दी होगा उतना ही अच्छा आपके गार्डन में आने के बाद में फ्लावरिंग करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। कारण ये होता है कि जब हम पतली पतली ब्रांच के प्लांट ले आते हैं और उनमें भर भर के हम फर्टिलाइजर देते हैं तो पौधे हमारे जो रूट रहती है उनकी रूट जो है जल जाती है। तो इसलिए अगर पौधा खरीदें तो थोड़ा सा मैच्योर खरीदें तो आपको ये गार्डन में फ्लावरिंग होने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। मैंने जो है पौधे की गुड़ाई कर ली है। मिट्टी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, ऊपर से ड्राई होनी चाहिए, तभी आपको गुड़ाई करनी है। अब मेरे हाथ में आप जो मिट्टी देख रहे हैं उसमें छोटी छोटी सी रूट्स आपको दिखाई दे रही है, पतली पतली सी। तो ये ऐसे प्लांट है जो रूट बहुत ज्यादा बनाते हैं और 6 महीने पे इनकी रूट फिर से डेवलप बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इनको 6-6 महीने पे 8-8 महीने पे अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा गमला जो है 10 इंच का गमला है और ये प्लांट जो होता है छोटे छोटे गमलों में नहीं लगाया जाता है क्योंकि इनकी हाइट भी ज्यादा होती है, रूट भी ज्यादा होती है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो पारिजात के पौधे की पत्तियां भी कई तरीके की होती हैं। मेरे पौधे की पत्तियां इस तरीके से सिंपल सी, इस तरीके से लंबी लंबी हैं। कुछ पत्तियों का शेप थोड़ा सा त्रिशूल आकार में होता है, लेकिन मेरे पास में यही वैरायटी है। फ्लावर देखने में बहुत सुंदर से लगते हैं और फ्लावर जो होते हैं इस तरीके से धूप होने के बाद में ये फ्लावर झड़ने लगते हैं। इनका जो नीचे का पार्ट रहता है ये ऑरेंजेस होता है और ऊपर का फ्लावर जो है व्हाइट कलर का होता है। देखने में बड़े ही यूनिक होते हैं, इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो यदि आपने नहीं लगाया है पारिजात का प्लांट तो एक प्लांट अपने गार्डन में जरूर लगाइए। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये टिफिन में रखा हुआ ये फर्टिलाइजर है जो मैंने पारिजात के प्लांट में दिया था। अब मैं दोबारा फिर दे रही हूँ क्योंकि उसने काफी सारे फ्लावर खिलने भी लगे हैं और काफी सारी कलियां बनी भी हैं। तो अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब भी आप इसको दे सकते हैं और प्योर ऑर्गेनिक है, आपको इसमें एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सामने मेरे देख रहे हैं ये है चाय पत्ती का पानी जिसमें मैंने 2-3 लौंग भी डाल रखे हैं। लौंग का क्या यूज है, लौंग में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, ये भी हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है और चाय पत्ती भी आसानी से मिल जाती है। तो बनाना किस तरीके से है वो बताती हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। पोटेशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत दिखाऊंगी आपको मैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती, 1 टेबल स्पून चाय पत्ती है और इसमें जो है हमको पानी फिल कर देना है। आप अपने हिसाब से फर्टिलाइजर बना सकते हैं, मैंने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मेरे पास तो एक ही पारिजात का प्लांट है, लेकिन ये ओनली पारिजात के प्लांट के लिए नहीं है फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। अब जो मैंने लौंग डाली थी, 3-4 लौंग डाली थी इसमें, आपको मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से छोटी छोटी सी लौंग डाली थी, 3 लौंग थी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। मैंने ये जो फर्टिलाइजर है
ये स्प्रे के लिए बनाया है। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फर्टिलाइजर, अगर आप मिट्टी में देना चाहते हैं तो मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो ये ट्विन बैन फर्टिलाइजर है, आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिट्टी में दे सकते हैं। लौंग जो होती है हमारी मिट्टी में, जब इसका थोड़ा भी तत्व जाता है तो मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। इन दो में से कोई भी परिस्थिति हो सकती है। और उसके बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे हमारे लौंग के पानी जो रहता है उसमें तेल हो जाता है, तो उसके कारण जो है पत्तियां काफी अच्छी शाइनी हो जाती हैं। तो चाय पत्ती डालने के बाद और पानी डालने के बाद हमको जो है ये बॉक्स जो टिफिन है इसको बंद कर देना है, और जो कम से कम 8 से 10 घंटे तक ये बंद रहना चाहिए। तो मैंने रात को लगभग 11 बजे भिगो कर रखा था, आप देख सकते हैं काफी अच्छा इसमें ट्रांसपेरेंट कलर आ चुका है। और अब इसको हम किसी भी ग्लास में निकाल लेंगे, या आप छन्नी से छानना चाहें तो छान सकते हैं। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप छन्नी से छानें, और यदि आप जो है जड़ों में दे रहे हैं तो छानने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। तभी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये एनपीके फर्टिलाइजर बनकर हुआ है रेडी, जिसको हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। तो इसमें एन मतलब नाइट्रोजन की मात्रा तो काफी अच्छी है, चाय पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आधा गिलास करीब ये फर्टिलाइजर ले लिया है, चाय पत्ती का फर्टिलाइजर। अब इसमें आधा गिलास में पानी मिक्स करूंगी, आप चाहें तो ज्यादा भी पानी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर रेडी है। इससे क्या होगा, आपके पौधे की रुकी हुई ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होगी। चाहे पारिजात हो, कोई भी प्लांट हो, अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालिए, ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होगी। तो मेरे पौधे में जो है फ्लावरिंग आने वाली है, मतलब की जो बर्ड्स हैं वो ओपन होने वाली हैं। तो बर्ड्स अच्छी तरीके से खिले, ये रुके नहीं, ये झड़े नहीं, इसके लिए हमको पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर डालना है। जब हम घरेलू पोटेशियम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन होता है बनाना पील। बनाना में बहुत सारे तत्व होते हैं लेकिन पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए तो आपको कहीं भी जाना नहीं है, एक भी रुपए खर्च नहीं करना है। जिसको आप डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको आप जो है अपने पौधों में दे सकते हैं। बनाना पील अगर आप लिक्विड बनाते हैं उसको भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं, ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो 1 से 2 बनाना आप अपने पौधे की जो है जड़ों में रिंग साइड पे, जो रिंग साइड होती है उस पर हमको देना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं देना। चाहे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो या फिर केमिकल फर्टिलाइजर हो, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और जो बनाना पील रहते हैं उनको आपको जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास में ड्राई फॉर्म में, मतलब कि ये सूखे हुए बनाना के पील है। अगर आपके पास में फ्रेश हैं तो उनको भी आप दे सकते हैं, लेकिन देना कैसे है कि कुछ लोग बोलते हैं फंगल लग जाता है। तो फंगल तभी लगता है जब आप इनको पौधों को छाया वाली जगह में रखते हैं। धूप वाली जगह में रखेंगे तो कभी भी बनाना पील डालने के बाद में फंगल नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने इन बनाना के छिलकों को मिट्टी में दबा दिया है। अब एक बात आपको ध्यान करने के लिए जरूरी है कि अगर आप बनाना के छिलके सुखा रहे हैं तो आप इसको सेमी शेड में सुखाएं। अगर प्रॉपर धूप में सुखाएंगे तो इसके सभी पोषक तत्व गायब हो जाएंगे। तभी होता है जब लोग बोलते हैं कि हमने बनाना पील डाला लेकिन हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला। कारण यही है कि अगर आप ड्राई डालेंगे, इस तरीके की ड्राई जो बनाकर आप डालते हैं पाउडर बनाकर या ऐसे ही डाल देते हैं, तो अगर आप इनको प्रॉपर धूप में सुखाएंगे तो जितने भी इनके न्यूट्रिएंट हैं वो धूप में गायब हो जाते हैं। तो इनको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, मतलब धूप रहती हो लेकिन किसी दीवार की छाया रहती हो, ऐसी हो, ऐसी जगह पर आप 4-5 दिन तक सुखाएंगे तो ये जो है सूख जाएंगे अच्छे से और आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट देंगे। अब हमने पोटेशियम डाल दिया है, इसके बाद में हम ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालेंगे। और ये हमारे प्लांट में जो हमने लौंग का पानी डाला है, मतलब लौंग डाली थी पानी में मिक्स करके चाय पत्ती के साथ में, तो वो हमारे पौधे में एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने बड़े गमले में 1 गिलास पानी में क्या होता है, लेकिन मिट्टी जो है मेरी नीचे से पूरी गीली है, ऊपर ही की साइड ही सूखी हुई थी क्योंकि 2 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही थी आंधी तूफान की वजह से, तो थोड़ी सी मिट्टी ड्राई थी तभी मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया है। तो इन चीजों का अगर आप का ध्यान रखेंगे इन बातों का तो आपके पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छे से होती रहेगी। अब जो मैंने आपको बताया था स्प्रे बनाने के लिए, स्प्रेयर अगर आप बनाना चाहते हैं इस फर्टिलाइजर का तो आपको बनाना पील को स्किप कर देना है, मतलब बनाना पील नहीं डालना है और खाली यही लिक्विड रहेगा
और इसमें जितना आपका लिक्विड है उससे हाफ पार्ट आप जो है पानी का ले सकते हैं। और उसके बाद में आप कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट या जो है आपके फ्लावरिंग प्लांट सब पर जो है स्प्रे करेंगे तो पत्तियां काफी अच्छी चमकदार रहेंगी, नाइट्रोजन की मात्रा रहेगी, तो पौधे जो है हेल्दी ग्रोथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।